सचिवालय स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय और रानी की छतरी के जीर्णोद्धार का काम लगभग अंतिम चरण में है। तीनों का उद्घाटन का कार्य अब जल्द ही होने वाला है। 2 मार्च को तीनों भवनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। इसी कड़ी में आज सेंट्रल डीसीपी मुकेश मल्होत्रा, बल्लभगढ़ डीसीपी कुशल पाल सिंह, एसीपी मनीष सहगल के अलावा सभी अधिकारियों ने नवनिर्मित इमारतों का निरीक्षण किया। जल्द ही इमारतें आम जनता के लिए शुरू हो जाएंगी। मिनी सचिवालय बनने से लाखों लोगों को एक छत के नीचे ही अधिकारियों का बैठने का लाभ मिलेगा। साथ ही बल्लभगढ़ की बेटियों और आसपास के इलाके से आने वाली बेटियों को भी भव्य इमारत में स्वच्छ वातावरण के अंदर पढ़ने का भी अवसर मिलेगा। लगभग 300 पुरानी रानी की छतरी का जीर्णोद्धार होने के बाद इलाके के लोग शहीद राजा नाहर सिंह से जुड़ी धरोहर को देख सकेंगे और इतिहास को जान सकेंगे। वहीं बल्लभगढ़ SDM त्रिलोक सिंह ने बताया कि नवनिर्मित इमारतों के रूप में बल्लभगढ़ वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसमें मिनी सेक्रेटेरिएट, कन्या महाविद्यालय और रानी की छतरी शामिल है। दिन का काम पिछले काफी समय से चल रहा है, अब वह पूरा हो चुका है जो जनता को समर्पित किया जाए। मिनी सेक्रेटेरिएट में लोगों की सभी समस्याओं का समाधान होगा। पहले लोगों को अलग अलग अधिकारियों के दफ्तरों के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब एक ही मिनी सेक्रेटेरिएट में उन्हें तमाम अधिकारियों के दफ्तर मिलेंगे, जिससे लोगों को कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। एक ही जगह पर उनका सारा काम आसानी से होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमारे ऑफिस जो ऑलरेडी हमारे पंचायत भवन में चल रहे थे वो सारे शिफ्ट होंगे और बहुत ही भव्य बिल्डिंग बनाई गई है और हर डिपार्टमेंट के लिए हर तरह की सुविधा का इसमें ख्याल रखा गया है। आम जनता के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई, इसीलिए तो इसको मिनी सचिवालय कहा गया है। यहाँ सारे ऑफिस शिफ्ट हो गए जी। लगभग जो तैयारियां हैं अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। अब तो सिर्फ आप देख रहे हैं सिर्फ ड्रेसिंग इसकी बची हुई है, साफ सफाई की व्यवस्था, तो ये अगले 2 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी।